पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम फिनलैंड के लिए लास्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट स्वीडिश मास्टर्स प्रोग्राम तो यहाँ पे हम लोग चेक uh, करने वाले हैं कि स्वीडन फिनलैंड में पर्टिकुलरली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली हैं और क्या उनकी डेडलाइंस हैं और क्या फ़ीस वगैरह है वो आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली uh, इस पोर्टल पे तो so, फिनलैंड के लिए जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपको ये पोर्टल ओपन कर लेना है स्टडी इन फिनलैंड डॉट एफ आई और यहाँ पे फिनलैंड फिनलैंड वर्ल्ड लीडिंग हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफर्स मोर देन 550 इंग्लिश डॉट बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स सो एट प्रेजेंट ये जो 550 नंबर है ये दोनों इंग्लिश डॉट और इंग्लिश डॉट बैचलर्स और इंग्लिश डॉट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बट मोस्टली 300 हंड्रेड प्रोग्राम्स एट प्रजेंट आई गेस अवेलेबल है मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए और uh, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हम वन बाय वन चेक करते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ एज लिस्ट तो यहाँ पे इन लोगों ने पूरा लिस्ट कर रखा है कि टोटल तो थर्टी फाइव यूनिवर्सिटीज़ के एक वेब पेज बना रखा है इन्होंने और इन्होंने एक मैप पे भी मतलब प्लॉट कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये आप एनालाइज़ कर सकते हो इस पोर्टल पे हमें पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हम इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना है uh, पहले तो इस वेबसाइट पे जाना है फिर एडमिशन्स पे जाना है एडमिशन के बाद बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन्स में और फिर यहाँ पर एक यू इन्होंने मैंशन कर रखा है स्टडी तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा यहाँ पे लिखा है एडमिशन रिजल्ट फॉर जॉइंट एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन ऑटम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विल भी पब्लिश बाय ट्वेंट फोर नोबर तो ये अभी इनके रिकरिंग एडमिशंस का ही नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे जाके फिर सर्च पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको सारे प्रोग्राम्स एक साथ दिख जाएंगे फाइव सेवन फाइव थ्री तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे ये पूरा इंक्लूडेड है पी मास्टर्स और बैचलर्स सब सारा इंक्लूडेड है इसमें आपको फिर फिल्टर करना है मास्टर्स के लिए तो मास्टर्स के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम्स में जाना है और मास्टर्स पे क्लिक करना है फिर आप यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास सिक्स नाइन्टी सेवन प्रोग्राम्स रहेंगे राइट right? फिर आपको वापस से इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइजेशन है कि मास्टर्स विदाउट थीसिस और मास्टर्स विद थीसिस पर्टिकुलरली तो दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है एक इंजीनियरिंग डोमेन से और एक साइंस डोमेन से तो आपको वो आ, उसके अगेंस्ट कोई आ, दिक्कत वाली बात नहीं है आप दोनों पे क्लिक कीजिए मास्टर्स अप्लाइड साइंसिस वाले जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं उनके लिए उनमें भी और जो प्रोग्राम स्टडी प्रोग्राम्स हैं उनमें भी फिर आप दोनों पे क्लिक करने के बाद आप इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ़िल्टर में वापस फ़ोर प्रोग्राम्स और बेसिकली फ़ोर फाइव टू पोजिशन आपको दिखेंगी अवेलेबल फिर आप थोड़ा और फिल्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं ठीक है तो आप फ़िलहाल के लिए इतने ही आ, इतने ही हाँ टाइप ऑफ टीचिंग भी एक बार आ, चेक कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि टीचिंग टाइम हो गया तो टीचिंग टाइम आपने करना है डे टाइम टीचिंग फॉर श्योर क्योंकि वही सबसे ज़्यादा रनिंग क्लासेस होती हैं तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर कर लेना है डे टाइम टीचिंग पे भी तो ये ये सारे फ़िल्टर करने के बाद आपको मिलेंगे 382 मास्टर्स प्रोग्राम जो जहाँ पर आप फाइनली अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे आप ये जो फ़िल्टर दिख रहा है आपको वो ऑलरेडी सॉर्टेड है लाइक ए ए टू जेड सॉर्टिंग कर रखा है इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली बट आप अगर मान लीजिए डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप डेटा साइंस पे ऐसे टाइप करके और चेक कर सकते हैं फिफ्टी प्रोग्राम्स इनके डेटा साइंस से रिलेटेड हैं यहाँ पे फिर आपने मान लीजिए कि इंटरेस्टेड हैं आप uh, तो हमने एक यू बना रखा है बिट डॉट ली एस इन फिनलैंड अंडर स्कोर तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मेट मिल जाएगा एटलीस्ट ये सारे फ़िल्टर्स सा ऑलरेडी लगे होंगे उसमें तो आप आपको कुछ नहीं करना है आप अगर इस इस पर्टिकुलर वेब पेज को व्यू करना चाहते हैं तो इस पूरे यू की जगह आप सिंपल सा बिट डॉट ली स्लेश यू आप टाइप कर सकते हैं और इस यू आर एल टाइप करने कर, करने से डायरेक्टली आपको यहाँ पर सारे स्टडी प्रोग्राम्स टू थाउजेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के मिल जाएंगे और यहाँ पे फिर आप अपने फ़िल्टर्स लगा सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पर बिज़नेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कौन से डोमेन में चेक करना है बट वंस अगेन आप इस इस शॉर्ट एंड यू को नोट कर लीजिए सो दैट आपको बार बार इस पूरी यू को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है राइट right? और ये फिल्ट बेसिक से फ़िल्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको लगे हुए जैसे ही आप इस यू को ओपन करेंगे ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही और uh, हाँ हम ये भी डिस्कस कर कर लेते हैं इसी वीडियो में कि आप डेडलाइंस वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आप मान लीजिए डेटा साइंस का कोई प्रोग्राम चेक कर रहे हैं और डेटा साइंस मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंग की मैं चूज़ किया ठीक है तो अब ये यहाँ पे इन लोगों ने पूरा अपना डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसके रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये लोग मेंशन करके रखते हैं यहाँ पे बट आप यहाँ पे वापस से क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको फिर ना ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी और बेसिक इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल इन्फॉमेशन मिलेगी और यहाँ पे आपको डेडलाइंस मिलेंगी एप्लीकेशन बिगिनस एप्लीकेशन एंड्स और स्टडीज़ बिगिन तो इस तरीके से आप जब और फ़र्दर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे एफ़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो ये हर हर बेसिकली हर प्रोग्राम के लिए इन लोगों ने एक तरह से एक कैटलाग बना रखा है तो आप चेक कर सकते हैं ओके okay दिन इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय